एयरटेल पेमेंट्स बैंक का परिचय। एयरटेल पेमेंट्स बैंक का लक्ष्य मोबाइल टेलीकॉम की शक्ति के उपयोग द्वारा देश के प्रत्येक नागरिक को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने पहला पेमेंट्स बैंक खोलने का लाइसेंस एयरटेल को दिया है। इसकी सहायता से ग्राहक बचत खाता खोल सकते हैं, नकद जमा और नकद निकासी कर सकते हैं। हालांकि ग्राहक अपने खाते में दिन के अंत में अधिकतम 1,00,000 रुपए की राशि रख सकते हैं। गुप्ता जी, मैं अपने बचत खाते में 500 रुपए जमा करना चाहता हूँ। जी जरूर, मैं अभी करता हूँ। बहुत अच्छा, यह हो गया। मैं एयरटेल मोबाइल भी रिचार्ज करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। नमस्ते, मेरा नाम राजू है और मैं एयरटेल रिटेलर हूँ और को बैंकर भी। मुझे इस बात का गर्व है कि एयरटेल ने मेरी दुकान को नजदीकी बैंकिंग पॉइंट के रूप में चुना है। अब मैं ग्राहकों को टेलीकॉम के साथ बैंकिंग सेवाएं भी प्रदान करूंगा। इसलिए अब मेरे ग्राहक मेरी दुकान पर कागज रहित प्रक्रिया के द्वारा तत्काल बचत खाता या सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हैं। वे इस खाते का इस्तेमाल शीघ्रता और आसानी के साथ नकद रुपए जमा करने व निकासी करने के लिए कर सकते हैं। इससे वे अपनी बचत राशि पर उच्च ब्याज प्राप्त कर सकते हैं और 1,00,000 रुपए तक के निशुल्क बीमा कवर का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। यह लाजवाब है ना? एयरटेल पेमेंट्स बैंक केवल मेरे ग्राहकों के लिए ही नहीं है बल्कि यह मुझे भी बेहतरीन लाभ देता है। इसने मुझे भारत के सबसे बड़े और सबसे भरोसेमंद टेलीकॉम ब्रांड से जुड़ने का अवसर दिया है, जो अब भारत का पहला पेमेंट्स बैंक शुरू करने जा रहा है। इससे मेरी दुकान पर मेरे ग्राहकों के लिए नजदीकी बैंकिंग की सुविधा भी मिलेगी। मैं देख रहा हूँ कि मेरी दुकान के बैंकिंग पॉइंट बनने के बाद ग्राहकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि मुझे मेरे ग्राहकों द्वारा नए बचत खाते खोलने, नकद जमा करने और नकद निकासी पर कमीशन भी मिलती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह एकदम आसान और सुविधाजनक है, क्योंकि मैंने लेन देन ट्रांजैक्शंस पर बहुत ज्यादा समय खर्च नहीं किया है। आइए हम आपको बताते हैं कि यह लेन देन ट्रांजैक्शंस कैसे करें। गुप्ता जी, मैं एयरटेल पेमेंट्स बैंक के माध्यम से बचत खाता खोलना चाहती हूँ। बिल्कुल सुमित्रा जी, उम्मीद है आप अपना आधार कार्ड अवश्य लाई होंगी। हाँ जी, है मेरे पास। मैं इस पर्ची पर लिखवा के आई हूँ। सुमित्रा जी का बचत खाता खोलने के लिए मैंने अपने खाते में लॉगिन करने के लिए अपने मोबाइल के मित्रा ऐप पर क्लिक किया। इसे आप भी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या अपने FSC TSM से संपर्क कर सकते हैं। यह मित्रा ऐप आपके ग्राहक की बैंकिंग जरूरतों का संपूर्ण हल है। मैं लाभू नंबर और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन करने से शुरुआत करता हूँ। मैं होम स्क्रीन पर एयरटेल पेमेंट्स बैंक टैब पर क्लिक करता हूँ और बैंक मेन्यू ऑन करता हूँ। उसके बाद मैं ओपन बैंक अकाउंट पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं आधार कार्ड यस का चुनाव करता हूँ। उसके बाद मैं उनका मोबाइल नंबर एंटर करता हूँ और सबमिट पर क्लिक करता हूँ। तत्काल ग्राहक के मोबाइल नंबर पर एक 6 अंक का OTP आ जाता है। ये लीजिए, शायद OTP आ गया। ग्राहक से OTP मिलने के बाद मैं इसे मित्रा ऐप में एंटर करता हूँ और सबमिट पर क्लिक करता हूँ। अब मैं ग्राहक से आधार आधारित सत्यापन के लिए अनुमति लूंगा। सुमित्रा जी, क्या मैं आपका पैन नंबर और आधार नंबर ले सकता हूँ? जी जी है, वो उस पर्ची पर लिखा है। मुझे सत्यापन पूर्ण करने के लिए आपकी उंगली की छाप या बायोमेट्रिक स्कैन की जरूरत है। जी बिल्कुल। सुमित्रा जी के बायोमेट्रिक सत्यापन के सफल होने के बाद उनका विवरण स्क्रीन पर स्वतः आ जाएगा। सुमित्रा जी, कृपया अपना विवरण देखें और बताएं कि क्या यह सही है। ये अद्भुत है, ये तो बिल्कुल सही है। कृपया मेरा पत्राचार का पता उपरोक्त के अनुसार ही रखें। आपको ये सब मेरा आधार नंबर और उंगली की छाप डालकर ही मिल गया। जी बिल्कुल। क्या आपकी ईमेल आईडी भी है? शायद है, पर्ची में देख लीजिए।
समस्त विवरण प्रदान करने के बाद मैं ग्राहक द्वारा नामित व्यक्ति का विवरण एंटर करता हूँ और नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। तब डिपॉजिट स्क्रीन दिखती है। यहाँ मैं अकाउंट खोलने के लिए जमा की जाने वाली आरंभिक न्यूनतम धनराशि एंटर करता हूँ और नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। अब सुमित्रा जी का विवरण स्क्रीन पर दिखता है। मैं सुमित्रा जी को उनका विवरण दिखाकर सत्यापित और प्रमाणित करने के लिए अनुरोध करता हूँ। उनके द्वारा विवरण को सत्यापित करने और नियम व शर्तों पर सहमति प्रदान करने के बाद सुमित्रा जी को एक बार फिर अपनी उंगली की छाप देनी होगी। सुमित्रा जी के सफल सत्यापन के बाद मैं जमा ट्रांजैक्शन पूर्ण करने के लिए अपनी एम पिन एंटर करता हूँ। सुमित्रा जी बधाई हो, आपका बचत खाता खुल गया है। आपको जल्द ही पुष्टिकरण मैसेज और कॉल प्राप्त होगा। ठीक है सुमित्रा जी, आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने एयरटेल पेमेंट्स बैंक के बचत खाते में 1,00,000 रुपए तक रख सकती हैं। भरोसा रखें, आपको अपनी बचत राशि पर अच्छा ब्याज प्राप्त होगा। जी बहुत अच्छा, धन्यवाद। गुप्ता जी, मेरे पास कोई मैसेज आया है। ये लो, अब वेलकम कॉल भी आ गया। वाह, अब मेरा बचत खाता खुल गया है। गुप्ता जी, मैं अपने एयरटेल पेमेंट्स बैंक खाते में नकद रुपए जमा करना चाहती हूँ। जरूर सुमित्रा जी। सुमित्रा जी के खाते में नकद रुपए जमा करने के लिए मैं मित्रा ऐप में एयरटेल पेमेंट्स बैंक स्क्रीन पर कैश डिपॉजिट का चुनाव करता हूँ। यहाँ मैं अकाउंट लिंक्ड मोबाइल नंबर एंटर करता हूँ और उसके बाद जमा की जाने वाली धनराशि का चुनाव करता हूँ। मैंने सेल्फ विकल्प का चुनाव किया और प्रोसीड पर क्लिक किया। अब सुमित्रा जी के मोबाइल पर एक OTP प्राप्त हुआ। मैंने निर्धारित स्थान पर यह OTP और अपना MPIN एंटर किया और जमा ट्रांजैक्शन पूर्ण करने के लिए वेरीफाई पर क्लिक किया। मुझे पुष्टिकरण मैसेज और ट्रांजैक्शन ID प्राप्त हुआ है। आपको भी एक मैसेज मिला होगा। धन्यवाद गुप्ता जी, मुझे पुष्टिकरण मैसेज मिल गया है और पैसा मेरे खाते में जमा हो गया है। नमस्ते गुप्ता जी, मुझे अपने घर की पुताई करने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। मैं अपने खाते से नकद रुपयों की निकासी करना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? मेरे पास चेकबुक नहीं है। जी सुमित्रा जी, हम आपके रुपयों की सुरक्षित निकासी करने में आपकी सहायता के लिए बायोमेट्रिक स्कैन सत्यापन का उपयोग करते हैं। आपके खाते से आपके अलावा कोई और निकासी नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें आपकी उंगली की छाप की जरूरत होती है। सुमित्रा जी के अकाउंट से रुपयों की निकासी करने के लिए मैंने एयरटेल पेमेंट्स बैंक स्क्रीन पर कैश विड्रॉल के विकल्प का चुनाव किया। यहाँ मैंने उनका अकाउंट लिंक्ड मोबाइल नंबर और निकासी की जाने वाली धनराशि एंटर करी। मैंने उन्हें निकासी के शुल्क के बारे में सूचित किया और उनकी सहमति के बाद कंफर्म पर क्लिक किया। उनकी आधार आधारित एक्टिवेशन की स्वीकृति के बाद मैं उनकी उंगली की छाप लेता हूँ। सत्यापन सफल होने के बाद मुझे पुष्टिकरण मैसेज प्राप्त हुआ है। सुमित्रा जी, आपका निकासी ट्रांजैक्शन सफल हो गया है और ये लीजिए आपकी नकदी, और आपको भी पुष्टिकरण मैसेज और ट्रांजैक्शन आईडी प्राप्त हुआ होगा। जी हाँ, मिल गया। तो आपने देखा कि मित्रा ऐप के उपयोग द्वारा लेन देन ट्रांजैक्शन कितना आसान है। यदि इसके बावजूद आप या आपके ग्राहकों को किसी प्रकार की सहायता की जरूरत होती है, तो अपने सभी सवालों के जवाब पाने के लिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक पेज में हेल्प एंड सपोर्ट विकल्प पर क्लिक करें।